Assalamualaikum and a very वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो अभी सुबह का टाइम है अभी अलीना का मतलब स्कूल जाने का टाइम है। और मैं यहाँ पर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही हूँ तो उसका लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ और अलीना भी इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद से रेडी हो सके तो वो अंदर तैयार हो रही है और मैं यहाँ पर उसका उसके आज मैं पैन दे रही हूँ और बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर किया हुआ पैन का तो मैं आज नहीं कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी शेयर और सुबह इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं सब कुछ ना कैमरा वैमरा सेट करके करूँ तो बस उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया है और जल्दी जल्दी जाकर मैं उसे ड्रॉप कर कर आऊँगी क्योंकि थोड़ा भी लेट हुआ ना तो बस निकल जाएगा और देखिए बस आ ही गया है बस दो मिनट ही रुकता है यहाँ और ज़्यादा वेट नहीं करता है बस हम ऑन टाइम हम आ गए हैं और अलीना जाती है सात बजे और आती है शाम को चार बजे तो इसलिए मैं थोड़ा हेवी लंच देती हूँ कभी राइस रोटी ये सब भी दे देती हूँ तो अभी गई है अलीना का स्कूल आवर्स काफ़ी लंबा है आधा दिन तो उसका स्कूल में गुजर जाता है और हम तीनों आते हैं ड्रॉप करने तो उसे अच्छा लगता है और मीशो को ज़बरदस्त नींद आ रही है अभी वो सो जाएगी तो मिशू अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है मतलब जब अलीना स्कूल जाती है ना फिर उसकी नींद आने लगती है तो छोटा सा नैप लेती है वो तो मैं भी साथ में लेट जाती हूँ उसके सुबह वो कुछ खाती नहीं है तो जस्ट फीड करना होता है तो ऐसे ही लेटा के फीड कर देती हूँ तो जल्दी सो जाती है उसके सोने के बाद जो भी फिर मेरा काम होता है लाइक फ्रेश होना हुआ तो फ्रेश हो जाती हूँ अगर थोड़ा लंबा टाइम तक वो सो रही है तो नहा भी लेती हूँ झटपट और सेल्फ केयर कुछ खास नहीं कर पाती हूँ और मेरी ये बहुत बुरी आदत है जो मुझे चेंज करना है थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए खुद के लिए जो मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाती हूँ इस टाइम में थोड़ा फेस वेस क्लीन करना चाहिए फेस वॉश से बट मैं सिंपल पानी से धो लेती हूँ नहाते वक्त कभी कभार स्क्रबर वगैरह यूज़ करती हूँ तो स्क्रबिंग कर लेती हूँ और मुझे आज टाइम मिल गया था महसूस हो रही थी तो मैंने क्विक बात ले लिया और मैं सोच रही हूँ आज ये वाला कपड़ा जो मैं लेकर आई थी ना इंडिया से अभी तक मैंने पहना नहीं है जस्ट वॉश करके मैंने रख दिया था तो आज मैं ये पहन लेती हूँ और जब मैं नहा रही थी तो मिशू उठ गई थी तो अपने पापा के पास गई है पापा ले गए उसको अपने साथ और जब उठ जाती है तो मैं कम वगैरह मैं हटा देती हूँ ताकि जो बाहर का नेचुरल लाइट वग़ैरह घर में आए फ्रेश एयर आए विंडो भी खोल देती हूँ बट विंडो सिर्फ विंटर में आप खोल सकते हो दुबई में बहुत गर्मी होती है तो जस्ट अभी का वेदर बहुत अच्छा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अच्छा लगता है तो हल्का सा मैं विंडो खोल देती हूँ और अब जब मीसू उठी गई है तो मैं सोचती हूँ साथ साथ ये काम भी निपटा दूँ तो बेडरूम से निकलने से पहले ना अगर उठी हुई रहती है तो मैं बेड वेड बना देती हूँ और विंटर में मेरे और मेरा ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आप लोगों का भी होता है क्या समर में इतना मतलब हेयर फॉल इशू नहीं था अभी विंटर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और जब हेयर फॉल होता है ना तभी मैं थोड़ा केयर करती हूँ हेयर का वरना मैं केयर नहीं करती हूँ और ये मॉइस्चराइज़र वगैरह भी विंटर में लगाती हूँ वरना मैं मॉइस्चराइज़र भी मुझे समर में जरूरत नहीं पड़ती है और मैं मीशो का लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों के लोशन में केमिकल कम होता है इसलिए और ये काम वाली आई थी वो सारा बर्तन वर्तन वो धोकर गई है सुबह अर्ली मॉर्निंग वो भी आ जाती है सेवन ओ को जब अलीना स्कूल जाती है तो बर्तन वगैरह ड्राई हो गया है और मैंने ना स्नैक के लिए कुछ कॉर्न वगैरह मंगाया है वाला

ये सब अपनी जगह पे चले जाएंगे तो काउंटर भी क्लियर हो जाएगा और ये सब कुछ करने के बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ वरना मैं ऐसा किचन पूरा ऐसा बिखरा रहा है ना तो मैं ऐसे मुझसे नहीं होता है सारी चीज़ों को अपनी जगह पर डालने के बाद किचन फंक्शनल भी हो जाता है काम करने में अच्छा भी लगता है ये कुछ क्लिप्स पैकेट में लगे हुए थे तो खाली हो गया है तो मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ निकालना रखना इजी भी होता है यहाँ पे तो मैं टॉप फॉर ड्रॉर में रखती हूँ और देखिए मीशो ने पूरा कपड़ा निकाल दिया वॉशिंग मशीन खोल <laughs> तो अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए अब मैं नाश्ते में बना रही हूँ अवकड़ो सैंडविच तो ये यवाड़ो बहुत टाइम से पड़ा है फ्रिज में ख़राब हो जाता नहीं तो और बहुत आसानी से खुल जाता है देखिए जस्ट मैंने बीच से कट मारा और इस तरह से स्कूप करके ना इसे बाहर निकाल लेना है बिल्कुल ही मेहनत नहीं है इसे खोलना तो अवोकाडो निकालने के बाद मैं इसमें इसे अच्छे से मैश कर लेना है फोक की मदद से और बहुत आराम से मैश हो जाता है कोई भी मतलब परेशानी नहीं होती है बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और उसके बाद जस्ट इसमें ना थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन जूस और ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है तो हल्का सा लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ वन टेबल स्पून बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना इसे और फिर जस्ट सॉल्ट एंड पेपर डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो हमारा ब्रेड के लिए जो स्प्रेड है वो रेडी हो गया उसको साइड में रखते हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम वेजिटेबल्स काट लेंगे सैंडविच के लिए तो मैं यहाँ पे टमेटो ऐड कर रही हूँ और अंडा बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है एग भी ऐड करूँगी बॉय्ड एग आप चाहो तो इसमें पटेटो वगैरह भी ऐड कर सकते हो या फिर हैम चाहिए तो हैम ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से आप सैंडविच को कस्टमाइज़ कर सकते हो मतलब दो ब्रेड के बीच में आप कुछ भी डालो सैंडविच बन जाता है तो और यहाँ पर मैं लेटेस्ट को कट कर रही हूँ ब्रेड साइज़ में जो सैंडविच ब्रेड है उसके साइज़ में कट कर रही हूँ यहाँ पर हमारा अंडा भी रेडी हो गया बॉयल हो गया है और मैं ये जो लेटेस्ट है ना इसे मैं इस तरह से लपेट के रखती हूँ इस तरह से प्लास्टिक के शीट में क्लिंग फिल्म में तो इसे क्या होता है ना ये बहुत दिन तक फ्रेश रहता है काफ़ी टाइम हो गया ये लेटेस्ट का बट अभी तक देखिए कितना फ्रेश है और सुबह उठती हूँ ना इस टाइम में मुझे बहुत जोर से भूख लग जाती है लगता है बस झटपट कुछ बनाऊ और जल्दी से खा लूँ इतनी ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि अलीना को ड्रॉप करके आने के बाद या तो कोकोनट वाटर पी लेती हूँ या फिर गर्म पानी पी लेती हूँ उसके बाद एक घंटा तक कुछ भी नहीं खाती हूँ और उसके बाद से बहुत जोर से भूख लग जाती है तो यही वो टाइम होता है जब कस की भूख लगती है तो मैं झटपट झटपट करती हूँ जो भी फटाफट बन जाए ना बना लेती हूँ या कुछ हेवी ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो पहले से प्रिपरेशन करके रात में रख देती हूँ थोड़ा काम ईजी हो जाता है और यहाँ पर मैं सॉस भी प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मेनेस और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आप टेटो सॉस भी ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो और नहीं तो मुझे नहीं अच्छा लगता है क्योंकि ऑलरेडी हमने लेमन डाला है उसमें अवा में तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ और जो स्प्रेड हमने बनाया है वो अच्छे से लगा लेंगे तो चार स्लाइस ब्रेड में मैं लगाऊंगी अवा का जो स्प्रेड है और चार स्लाइस जो ब्रेड बचा हुआ है उसमें मैं लगाऊंगी और मेो मस्टर्ड का जो हमने सॉस बनाया है टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे और टमाटो एक एक करके डाल रही हूँ आप चाहो तो जितना भी डाल सको जैसे कि मैंने बताया मतलब सैंडविच को आप कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कभी कभी मैं हैम भी डाल देती हूँ अलीना को अगर देती हूँ ना स्कूल में ले जाने के लिए तो वो नहीं खाती है टमाटर वगैरह ज़्यादा और मैं अपने लिए चीज़ डाल रही हूँ हस्बैंड को चीज़ नहीं चाहिए और उन्हें योग भी नहीं चाहिए अंडे में तो मैंने योग निकाल के उनका सैंड मतलब रेडी किया है सैंडविच तो एक्चुअली डाइट पे है इसलिए वो नहीं खाते ये सब जिसमें भी फैट ज़्यादा हो तो बस हमारा सिंपल सा यमी सा और हेल्दी सा सैंडविच रेडी हो गया है और मैं इसे ना बेकिंग पेपर में लपेट दूंगी बेकिंग पेपर में लपेटने से क्या होता है सैंडविच बिल्कुल सेट हो जाता है गिरता नहीं है इवन आप बच्चों को स्कूल में भी दे रहे हो ना तो इस तरह से अगर आप दोगे ना तो पूरा सैंडविच देखिए इस तरह से सेट हो जाता है और यहाँ वहाँ होता नहीं है तो परफेक्ट है इस तरह से अगर आप रैप करके दे रहे हो पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर में तो मैं इस तरह से देती हूँ लीना को कभी भी सैंडविच देना होता है तो और इसे मैं इस तरह से लपेटती हूँ मैं दिखा रही हूँ आपको जैसे गिफ्ट हम रैप करते हैं ना सेम उसी तरह रैप करना होता है बहुत इजी है जस्ट गिफ्ट जैसे रैप करती हूँ बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस यूज़ करना है ऐसा टक करना है साइड में अंदर और टाइटली आपको ऐसा प्रेस करना है ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से और सिंपली हो जाता है बहुत आसानी से हो जाता है ये देखिए और उसके बाद हमें बीचों बीच से काट देना है ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया है और हस्बैंड को नहीं चाहिए वो मतलब ऐसा वाला मुझे कोल्ड सैंडविच अच्छा लगता है इस तरह का और बट उन्हें ग्रिल चाहिए तो मैं उनके लिए ग्रिलर में ये ग्रिल कर दूँगी तो उनका सैंडविच भी रेडी हो गया सबका अलग अलग टेस्ट होता है किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ तो उन्हें ऐसा ग्रिल वाला अच्छा लगता है मुझे कोल्ड सैंडविच अच्छा लगता है तो ये उनका सैंडविच भी रेडी हो गया है चाय भी मैं उन्हें अंदर दे दूँगी उनका काम स्टार्ट हो गया इसलिए और ये मेरा चाय जो हमेशा ठंडा हो जाता है इसे फिर से मुझे अविन में गर्म करना होगा और ये सब ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो बस मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और बहुत ही टेम्पिंग लग रहा है देखने में और काफ़ी हेल्दी है ये सैंडविच तो ब्रेकफास्ट हो गया मेरा और अब मैं किचन वाइंड अप कर रही हूँ जो अभी गंदा हुआ है ना उन सब चीज़ों को जगह पे रखना ये सब करना होता है जो भी थोड़ा बहुत बर्तन निकलता है नाश्ते का वो सब क्लीन करना उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करना तो ये सब मैं जगह पर रख रही हूँ और यहाँ पर मैं मीशो को ब्रेड स्टिक दे रही थी उसे ऐसा थोड़ा थोड़ा स्नैक देती हूँ मैं और उसे अच्छा लगता है ऐसा कुछ कुछ मंच करना तो छोटे छोटे दांत आ गए उसके तीन चार नीचे में और यहाँ पर पापा को परेशान कर रही है उनका काम चल रहा है दरवाज़ा नॉक करती है अगर दरवाज़ा बंद होता है तो पापा पापा करके दरवाज़ा खुलवा लेती है और अभी अलीना के रूम में जाके अलीना का रूम एक्सप्लोर कर रही है अगर ना देखूँ तो पूरा रूम दो मिनट में पूरा फैला देगी वो और यहाँ कब्ट का दरवाज़ा खोल रही है देखिए बहुत नोटी होती जा रही है मीशो और उसे बालकनी है बहुत अच्छा, अच्छा लगता है मुझे बालकनी का डोर खुलने बोल रही है गुद गुद। और अब मैं आ गई थी किचन में और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या बनाऊँ तो मेरे पास ये ना थाई बूंद जो चिकन का होता है ना वो पड़ा हुआ था तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ समझ में नहीं आया तो हस्बैंड ने बोला टिक्का लास्ट टाइम बहुत अच्छा बना था एयर फ्रायर में तो वैसे ही बना दो और कम तेल में बन जाता है तो हेल्दी भी है अच्छा है साथ में सैलेड बना दो बोल रहे थे तो मैंने भी सोचा सही रहेगा क्योंकि सुबह हमने हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया था सारा सैंडविच हमने खा लिया था तो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था तो कुछ हल्का सा ही खाने का मन कर रहा है तो बहुत सारे वेजिटेबल्स पड़े हैं मेरे पास तो वो सारे वेजिटेबल्स को मैं इसमें सैलेड बना दूंगी और इस तरह से मैंने कट लगा लिया है और जिस तरह से मैंने काटा ना वैसे आप मत काटना क्योंकि आपके हाथ में लग सकता है मुझे आदत हो गई है और जस्ट इसमें नींबू और थोड़ा सा नमक और जिंजर गार्लिक पी पेस्ट डाल के थोड़ा सा मैरिनेट करना ये फर्स्ट मैरिनेशन है हाफ एन आवर छोड़ देंगे इसे तो दही वही डाल के बाद में सेकंड मैरिनेशन करेंगे और मेरे पास ये मिक्स्ड कैप्सिकम है कलरफुल चार कलर चार कलर का तो मैं इस तरह से ना साइड्स काट लेती हूँ अगर मुझे स्लाइस में काटने होते हैं तो इस तरह से आप साइड्स काट लेंगे ना बहुत इजी हो जाता है फिर इसे काटना तो मैं कुछ सिजलर वगैरह बनाऊंगी सोच रही हूँ तो सिजलर तो वो वो स्टोर बनता है ना गरम करके ऐसा बट मेरे पास तो वो है नहीं तो कढ़ाई कोई बहुत अच्छे से गरम करके ना उस पर मैं थोड़ा स्टोर फ्राई करूँगी हाई फ्लेम में और यहाँ पर मैं थोड़ा सैलड भी बनाऊँगी तो उसके लिए मैं अनियन वगैरह भी कट कर ले रही हूँ जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है और ये चेरी टोमेटोज़ हैं सैलेड में ऐड करने के लिए और मुझे ये बहुत पसंद है चेरी टोमेटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं और साथ साथ मैंने थोड़ा क्यूकम्बर भी काट लिया है और थोड़ा सा लेटेस्ट डाल देंगे तो हमारा सैलड भी रेडी हो गया है बस हमें सीजलर जो है वो रेडी करना है बट पहले हम वो चिकन को मैरिनेट कर लेंगे सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही और सेम है वो जो मैंने रेसिपी शेयर किया था लास्ट टाइम ना वो सेम रेसिपी है सेम चीज़ मैं ऐड करूँगी वहीं पे थिक कट लेना है आपके पास मेरे पास इतना थिक नहीं है कर्ड अगर थिक कर्ड है तो और भी अच्छा है अच्छे से पकड़ता है मतलब कोटिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है थिक कर्ड में बट खैर चल जाएगा तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि दही डाल रहे हैं तो तीखा इतना नहीं होता है मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ और ये चिली पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर है तो इतना तीखा नहीं होता है साथ साथ ऐड कर देंगे सॉल्ट साथ साथ जाएगा इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरह से घिस के डाल देंगे इसमें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब ट्राई करके देखें और यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और साथ साथ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे दो घंटा मतलब रेस्ट करने देंगे मैरिनेट होने देंगे और जब तक ये मतलब मैरिनेट होगा ना मैं मीशो के लिए खिचड़ी विचड़ी बना लूँगी क्योंकि हमारा वेजिटेबल्स वगैरह चॉप हो गया है तो बस ये मैरिनेट हो जाएगा तब तक मैं मीशो को फिट कर दूँगी उसका टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा वेज खिचड़ी बना रही हूँ उसके लिए तो मैंने यहाँ पे हल्का सा जीरा ऐड कर दिया है थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है और घी में ऐड किया है होम मेड घी है वो और थोड़ा सा दाल और राइस ये सोना मसूरी राइस है और मूंग दाल है तो मैंने एक टेबल स्पून दाल लिया है और डेढ़ टेबल स्पून चावल लिया है और थोड़ा सा कैरेट और पीस आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो बीट रूट ऐड कर सकते हो पालक लौकी कुछ भी सब्जी जो आपके बच्चे आपको पसंद है खाने में और मीशू को तो चिकन और मटन खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है उसे वेज खिचड़ी बिल्कुल नहीं पसंद है तो मैंने स्टार्ट कर दिया है चिकन मटन देना तो मैं उसे कभी कभार चिकन का कभी मटन का कभी वेज ऐसा दे देती हूँ तो आज मैं वेज खिचड़ी बना रही हूँ उसके लिए तो बस हल्का सा पानी डाल दिया इतना ही पानी है पक जाएगा ये उसके बाद मैश करके उसे दे दूँगी तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे पहले सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हल्का सा डालेंगे और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे पका लेंगे तो यहाँ मीशो का खिचड़ी रेडी हो गया है देखिए और इसे हल्का सा मैशर से मैश कर लेना है अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे मिक्स मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर अच्छे से प्यूरी बना कर दे और अगर बड़ा बच्चा एक साल का है खा सकता है ऐसे तो आप इस तरह से दे सकते हो तो मैंने इस तरह से बना लिया मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ छोटा छोटा दाना रहता है चावल का दिखता है हल्का हल्का तो बस ऐसे खा लेती है मीशू को ऐसे ही अच्छा लगता है बट खाने में जो करेगी ना अभी अभी मेन शो अभी स्टार्ट होने वाला है बहुत परेशान करती है खाना नहीं चाहती है एक घंटा मुझे यहाँ पे लग जाएगा इसके पीछे अभी अभी टॉयज देकर ये सब दिखा कर वो सब दिखा कर सब खिलाना है देखिए इसका शुरू हो गया है और सब सारी मदर्स बोलती है कि बच्चे मेरे खाते नहीं है मैं क्या करूं तो मिशू अलग नहीं है आपके बच्चों से मिशू भी ऐसी करती है बहुत परेशान करती है पूरा पेशेंस रख के मुझे खिलाना पड़ता है तो एक घंटा मुझे ऐसे ही बैठना पड़ता है इसके साथ तब जाके वो खाती है बहुत मुश्किल है बच्चों को खिलाना पिलाना तो किसी तरह से मैंने खिला दिया मिशू को अब मैं आ गई थी किचन में और हमारा ये चिकन भी मैरिनेट हो गया है तो बस इसे थोड़ा सा स्कीूअर्स डाल के ना और इसमें हड्डी के बीच में ना इसलिए स्कीूवर्स जा नहीं रहा है तो मैं दो 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 डाल रही हूँ और इसे क्योंकि अच्छे से होल्ड कर सके ये तो मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और बस ये जाएगा एयर फ्रायर के अंदर तो हल्का सा ऑयल कोटिंग करना है हल्का सा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ उसके बाद उसे थोड़ा ब्रश कर दूँगी और जितना भी चिकन पीसेस हमारा है यहाँ पे इस तरह से हम रख देंगे और ये वाला ट्राई करके देखिए आप रेसिपी बहुत अच्छा बनता है पूरा इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे ना जैसे मैंने यूज़ किया है बहुत ज़बरदस्त टिक्का बनता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फील आएगा आपको तो बस ट्राई रेसिपी है ये तो जो मसाला बचा हुआ था मैंने वो भी लगा दिया मसाला क्यों वेस्ट करना और इसका ऊपर जितना मसाला रहना उतना ही मज़ा आता है खाने में कोटिंग अच्छे से मसाले के साथ हो तो तो बस मैंने लगा दिया है अभी और ये लगभग 25 मिनट बता रहा है यहाँ पे बट ये 20 अठारह बीस मिनट में बन जाएगा और जब तक तो हमारा चिकन वहाँ पे बन रहा है हम यहाँ पे सीजनर तैयार कर लेंगे मतलब थोड़ा सॉटे कर लेंगे हाई फ्लेम में तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा लहसन ऐड कर दिया है ऑयल में और साथ साथ सब्जी डाल देंगे इसके अंदर और कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है वैसे स्टील के कढ़ाई में मैं सॉटे नहीं करती हूँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और थोड़ा सा अनियन ऐड कर दिया है ऊपर से थोड़ा सा सॉटे करने के बाद क्योंकि अनियन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है तो थोड़ा क्रंची रहे तो अच्छा लगता है खाने में तो बस इसे ऐसे ही पकाते रहना है तो थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया हल्का सा और थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट और फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। थोड़ा चिली फ्लेक्स बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और क्रंचीनेस मतलब बना रहना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो मज़ा नहीं आता है तो इस तरह से हमारा देखिए सब्जी बस तीन मिनट मैंने पकाया है और तीन मिनट में हमारा सब्जी डन हो गया है फिल्म मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर हमारा चिकन यहाँ पे शेक का ऑप्शन आता है बोलता है शेक करने के लिए मतलब पलटना है अब तो एक तरफ पक गया है तो पलट देंगे दूसरी तरफ और इसे दूसरी तरफ पक पलट कर भी पका लेंगे और मीशो को मैंने बैठा दिया है फीडिंग चेयर में और टीवी ऑन कर दिया है बट उसे टीवी में भी इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ मेरे को ही देख रही है बट गाना बज रहा था ऐसे सब मंडी हिला रही है इन्जॉय कर रही है और सैलड वगैरह मैंने थोड़ा सा कट करके रखा था तो वो सब ड्रेसिंग कर लेंगे यहाँ पर अनियन तो ड्रिंक्स वगैरह इस तरह से बिछा देंगे तो वही सब सेट कर देने से थोड़ा अच्छा भी दिखता है कलरफुल लगता है और खाने में मज़ा अच्छा भी आता है टिक्का के साथ ये सब मतलब जो स्पाइस वगैरह हमने ऐड किया है ना टिक्का में बैलेंस हो जाता है ये सब सैलड के साथ और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा टिक्का बनकर रेडी हो गया है तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर रही हूँ और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना खाने में भी उतना ही अच्छा था बहुत ही यमी बना था तो ये है हमारा आज का लंच और अलीना के लिए थोड़ा सा राइस बनाया है तो अलीना थोड़ा राइस खा लेगी साथ में और मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको ये बटर नाइफ से कट कर रही हूँ कितना आराम से कट हो रहा है देखिए और अंदर बहुत ही जूसी है और बहुत ही यमी बना था जबकि मैंने ऑयल वगैरह भी स्प्रे नहीं किया है आप चाहो तो वो जो जब शेक का ऑप्शन आता है ना तो निकाल के थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर सकते हो पलटना पलटते वक्त चिकन को बट मैंने नहीं किया था और वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत अच्छा बनाया सीजलर जो मैंने बनाया है बहुत ही क्रंची बना है बहुत ही टेस्टी है तो लंच हो गया है हमारा और मैं जा रही थी थोड़ा अभी मतलब लंच करके एक डेढ़ घंटा हो गया है अब मेरा थोड़ा मन कर रहा है चाय और कॉफ़ी कुछ पी लूँ पता नहीं सर बहुत भारी सा हो रहा है और अलीना कुछ होमवर्क कर रही है होमवर्क मिला है उसको और मैं शू थोड़ा बाहर में खेल रही है पापा के साथ बैठी है तो फिर ठीक है मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ और कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग बताना कमेंट सेक्शन में तो फिर ठीक है आज का ब्लॉग एंड करती हूँ फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में अपना ख्याल रखे स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़